नमस्कार, मेरा नाम है शुभम शुक्ला और आप देख रहे हैं द लोक नीति। मध्य प्रदेश में कोविड की तीसरी लहर आ चुकी है। कोविड के केसेस तेजी से बढ़ने लगे हैं। इस बीच प्रदेश के छात्रों में परीक्षा को लेकर संशय था, कॉलेज खुलने को लेकर संशय था कि क्या कॉलेज खुलेंगे, क्या कॉलेजों में होने वाले पेपर एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे। छात्रों में यह दुविधा की स्थिति बनी हुई थी कि जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होंगे, चाहे वो यूजी के हों, पीजी के हों या अन्य सेमेस्टर एग्ज़ाम हों कॉलेजों के, वो आखिर किस मोड पर होंगे, कॉलेज जाकर उन्हें देना पड़ेगा या ऑनलाइन देना पड़ेगा। और कई जगह ऑफलाइन पेपर की डेट भी आ गई थी, दिनांक डेट डिसाइड हो गई थी, जिसके बाद NSUI समेत कई छात्र संगठनों ने इसका विरोध किया था और वहाँ तब कुछ समय के लिए परीक्षाओं को निरस्त भी कर दिया गया था और मध्य प्रदेश की कई यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा देखने को मिला था। लेकिन इसको लेकर अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज बड़ा बयान दिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि हम ऑफलाइन एग्ज़ाम करवाने की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने ट्विटर में अपना एक वीडियो ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम यानी जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या अन्य कॉलेज एग्ज़ाम हैं, वो ऑफलाइन मोड पर होंगे। सुनिए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एग्ज़ाम को लेकर, कॉलेज एग्ज़ाम को लेकर क्या कह रहे हैं। अभी तक ऑफलाइन परीक्षाओं की तरफ हम जा रहे हैं। 18 वर्ष से अधिक के युवाओं की वैक्सीनेशन हो चुका है। दूसरा, एक बार में 300 विद्यार्थी बैठते हैं तो पर्याप्त स्पेस भी है, कोविड गाइडलाइन का पालन करके परीक्षा दी जा सकती है। अगर कोई छात्र छात्रा कोविड पॉजिटिव पाई जाती है तो उसे अगले सेमेस्टर के लिए अवसर मिल सकता है, एक चांस और उसे अगली परीक्षा का देख सकते हैं और इस तरह से परीक्षा कराने पर वर्तमान में विचार हो। तो नरोत्तम मिश्रा को सुन रहे थे आप, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मध्य प्रदेश में हम ऑफलाइन एग्जाम की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या वास्तव में मध्य प्रदेश की छात्रों की एग्ज़ाम यानी कॉलेज छात्रों के एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होंगे और इस पर अब छात्र संगठनों का क्या रिएक्शन रहेगा, क्योंकि NSUI लगातार ऑफलाइन एग्ज़ाम कराने का विरोध कर रही है। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।